बड़ा मैच बड़े एक्सपेक्टेशंस खास करके बार्सलोना के लिए थोड़ा सा एक नर्वस माहौल था फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट यार क्या परफॉर्मेंस थी और मज़ा आ गया मैच में ओवरऑल ही जैसे मैंने बोला इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इस हफ्ते की चैम्पियंस लीग की तो सर्टनली मार्कि फिक्शर था ये बारसा वर्सेज बायन म्यूनिक एंड यार इट ट्रूली ट्रूली डिलीवर्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट जब दोस्ट इनफॉर्म प्लेयर इन यूरोप राइट नाचुअली पुट द बॉल पास मैच देख के ओवरऑल तो चर्चा करते हैं भाई इस मैच की क्या इंप्लीकेशन है इसके और वॉट इज वॉट वॉट एक्चुअली हैपन इन दिस गेम हाईलाइट क्या है यार देखो पहले तो अफकोर्स जैसे मैंने अभी बोला कि बार्सलोना के लिए थोड़ा सा नर्वस सिचुएशन हो सकती थी बारसा फैंस के लिए सर्टेनली बिकॉज uh, वो 8 टू का जो ट्रॉमा है कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू गेट ओवर दैट एंड गेट द रिवेंच टू एट टू कट रॉमा दैट ऑफकोर्स कम्स फ्रम द नाइनटीन ट्वेंटी सीजन चैम्पियंस लीग के जब ये दोनों टीम्स क्वार्टर फाइनल में खेले जब एक ही मैच था बाई द वे दो लेग्स नहीं थे जो मैच लिस्बिन में खेली गई थी बिकॉज ऑफ द कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक यूएफआ को फिर भी खत्म करनी थी चैंपियंस लीग um, उस सीजन की तो फटाफट निपटा रहे थे तो इसीलिए एक ही मैच था दो लेग्स नहीं थे जिसमें बार्सलोना गॉड एप्सिल्यूटली थ्रैश बाई एट गोल्ड्स टू टू एंड अ लॉट हैपेंड यार बिकॉज ऑफ दैट फीट बिकॉज अगर आपको याद हो ये वो दौर है जब लियनल मेसी वो स्टिल एट बार्सिलोना एंड काफी प्रॉब्लम्स चल रहे थे मेसी के ऑलरेडी बार्सोलोना मेसी मेसी विद द डायरेक्टर्स एट बार्सिलोना कि वो सही डिसीजंस नहीं ले रहे कुछ प्लेयर्स को बेच रहे हैं भाई Suarez को बेच दिया एथलेटिक ऑफ को और एथलेटिक ऑफ मड्रेड टाइटल ले गए एंड थिंग्स लाइक दैट एंड इसी मैच के लेस देन टू वीक्स बाद मेसी ने एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया सेंग दैट भाई ये क्या हो रहा है ये तो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है दिस इज नॉट द क्लब दैट आई एक्चुअली लर्न फुटबॉल एट

इट परफेक्टली एनकेप्सुलेट्स वॉट हैपेंड इन दिस गेम बार्सिलोना क्लियरली वर द बेटर टीम तीन गुना बेहतर थे यार बाय म्यूनिक से बिकॉज अगर आप देखो पहले मिनट से ही राफीनिया का मतलब बाय एन म्यूनिक ऑब्वियसली स्विचड ऑफ आई थिंक किम इन जे नॉट हिज बेस्ट गेम इन अ बाइन म्यूनिक शर्ट एंड कहीं ना कहीं यार एक्सपोज हो जाता है खास करके किम बिन जे जो है ना जब उनके बॉल आगे रहती है ना तो ही इज एक्चुअली वेरी गुड लेज सुन एज द बॉल गोज इन बिहाइंड हिम दर सम प्रॉब्लम्स है आर दैट द डिफेंडर फेसेज एंड बार्सलोना ने कल अच्छी तरीके से एक्सप्लॉयट किया रफी ने आखो पहले मिनट में पास आप पहले मिनट में भाई आप क्या ही ट्रैक्टिक्स कर लोगे राइट आफ्टर किक ऑफ बार्सलोना इमीजिएटली गॉट दैट चांस कसाडो भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस पेडरी तो मतलब प्राइम इनिएस्टा की तरह खेला है भाई कल इनिएस्टा की याद आ गई कल पेड्री को देख के एंड बहुत ही मतलब फमिन लोपेस का बाय द वे आई थिंक असिस्ट था रफीनिया को पहले गोल के लिए तो पहले गोल के लिए क्या फर्स्ट मिनट में क्या आप टैक्टिक्स का आप क्या क्रिटिसाइज कर लोगे राइट विंसेंट कॉम्पनी के देख सिंपली स्विच ऑफ बहुत सारा स्पेस मिला एंड रफीनिया भाई पुटिंग इट अवे लाइक अ प्रो अभी थोड़े दिन पहले रफीना ने बोला भाई मेरे को बहुत बुरा लगा है कि कुछ बार्सिलोना फैंस है या कोई कुछ लोग हैं जो विलियम्स निको विलियम्स की शर्ट लेके ऐसे वो कर रहे हैं कि यार निको विलियम्स को साइन करना चाहिए था बारसा ने और रफीना ने बोला भाई मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ऐसे किया बिकॉज मैं आई एम स्टिल हियर भाई एंड वट अ परफॉर्मेंस टू प्रूव ऑल द नेस रॉन्ग रफीनिया अमेजिंग यार तो वो लेकिन वो गोल जाने के बाद अगर आपको याद हो बाय म्यूनिक वर एक्चुअली ऑन द फ्रंट फुट फॉर क्वाइट अ वाइल आफ्टर दैट हैरी केन ने गोल मारा जो हुआ उसके बाद हैरी केन ने दोबारा एक गोल मारा एज हैरी केन डज और उस टाइम दैट दैट वन स्टूड एंड इट वॉज वन वन लेकिन तब तक मीट मॉज ऑल बाय म्यूनिक बारसा को तो बॉल ही नहीं मिल रही थी भाई कब मिनट पे आई थिंक हैरी केन इक्वलाइज्ड तब तक तो बादशाह को बॉल ही नहीं मिली थी पहले मिनट में गोल जाने के बाद लेकिन एज सुन एज बाय म्यूनिक्स कोर्ट फिर से बार भाई ऑन द फ्रंट फुट और लेवेंडोव्स्की का गोल सिंपल गोल टैप इन था अगेंस्ट हिज फ्रेंड मैनुअल नॉयर जिसके साथ भाई सात आठ दस साल के लिए खेला है बंदा ऑब्वियसली लेवेंडॉफकी को का जो वो एक फैक्टर है अंडर द सर्कमस्टांसेज मैं जानता हूँ कि इट्स काइंड ऑफ लाइक फ्लोन अंडर द रेडार दैट ही इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ बाय म्यूनिक प्लेयर एंड अ बाय म्यूनिक लेजेंड आई वुड से बट हाँ यार वो भी तो एक कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन है ही किलेवेंड हाउस की स्कोरिंग अगेंस्ट बाय म्यूनिक दैट काउंट्स फॉर समथिंग राइट तो लेवेंट हाउस की मेकिंग इट टू वन एंड देन इवेंचुअली फोर्टी फिफ्थ मिनट में रफीनिया एंड देन रफीनिया अगेन इन द सेकेंड हाफ हैट्रिक भाई हैट्रिक एक विनिशेस जूनियर की हैट्रिक रियल मोड्रिड के लिए डॉटमंड के खिलाफ एंड अब एक बार्सिलोना प्लेयर रफीनिया की हैट्रिक बा यूनिक के खिलाफ सो परफेक्टली सेटिंग अप द एल क्लासिको फॉर द वीकेंड कौन चमकेगा विनिशेस जूनियर या रफीनिया दोनों भाई ब्राजीलियन के बीच क्या खिचड़ी पकेगी देखेंगे देखेंगे uh, उसका उसका तो एक रिव्यू वीडियो बनेगा ही एल क्लासिको का दैट इज बट यार अब काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि विंसेंट कंपनी का क्या यार ये बंदा अब अगर मैं बुंडस की बात करूं तो देखो बुंडस में बाय म्यूनिक आर ऑन टॉप पांच मैच जीते हैं दो मैचेस ड्रॉ किए हैं सत्रह पॉइंट है सात मैचेस में स्टिल अर्ली टू से कि वो बुंडस्लिगा जीतेंगे या नहीं बिकॉज लाइफजेग आर यू नो राइट ऑन देयर बैक उसके बाद ऑब्वियसली बायर लेवक्यूजन वगैरह भी है तो डॉटमेंट भी है लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से लेकिन यार कल मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं कहूँगा बाय म्यूनिक की तरफ से एज फ्रॉम द मैनेजर्स एंड द लिटिल बिड ऑफ इन एक्सपीरियंस शोड अब ये बंदा भाई बर्नली को मैनेज कर कर चुका है यार मतलब बायर म्यूनिक का जब ये मैनेजर बना है तो पहले ही मतलब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मतलब इजी इवन केपेबल इनफ टू एक्चुअली डू गेट दिस जॉब एट दिस लेवल जहाँ पे इतने बड़े बड़े तोप या इतने बड़े बड़े, बड़े मतलब मैनेजर्स बैठे हैं जो बाय म्यूनिक को मैनेज कर कर सकते हैं और कर चुके हैं पास्ट में तो क्या मतलब अगर आप जेरा देखो लैम्प देखो इवन जैबी ओलों भी देखो भाई जिसने बायर लेव क्यूजन के साथ जो किया पिछले सीजन अनबीटन इन द बुंडस बुंडस लीघा वो भी मतलब तब आप कह रहे हो कि जैबी के बारे में लॉन्सो के बारे में लोग बोल रहे हैं कि भाई हाँ ही इज प्रॉब्ली नाउ केपेबल ऑफ टेकिंग ओवर बाय म्यूनिक एन देवर रूमर्स ऑफ दैट लेकिन इवन जेरार्ड लैमपर्ड जो कि एस्टन विला और चेल्सी लैमपार्ड और चेल्सी को भी मैनेज कर चुके हैं एवर्टन को मैनेज कर चुके हैं दे आर प्रॉब्बली ऑल्सो नॉट गुड इनफ राइट नाउ वेरी अर्ली वेरी यंग इन दैन मैनेजरियल करियर्स टू टेक ओवर क्लब लाइक बाय एन म्यूनिक तो विंसेंट कंपनी क्या चीज़ है भाई बर्नली को मैनेज करके उसके साथ रेलीगेट होके भाई आप कह रहे हो वो मैनेज कर लेगा बाय म्यूनिक को तो वो एक वियर्ड सा ही कॉम्बिनेशन लग रहा था वैसे भी कुछ एंड क्लियरली इट्स आई डोंट थिंक इट्स टू गो टू वेल फॉर बाय म्यूनिक सर्टनली इन द चैंपियंस लीग अब uh, पिछला पहला जो मैच था उनका एस्टन विला के अगेंस्ट हार गए Uh, उसके बाद ऑफकोर्स उन्होंने uh, हरा uh, एक सॉरी जो पहला मैच था उनका वो नाइन टू से आई थिंक उन्होंने किसी को हराया बहुत बड़ा मार्जिन से किसी को हराया उसके बाद पिछले uh, मैच वीक में एस्टन विला के अगेंस्ट हारे एंड नाउ अ डिफीट अगेंस्ट बारसा विच इज़ नॉट मतलब भाई हाई प्रोफाइल मैच है तो कहीं एनी थिंग कूड हैव हैप आई डोंट थिंक बारसा विनिंग दिस गेम इज वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड फॉर एनी बट हाँ यार मतलब इस विंसेंट कंपनी गुड इनफ टू मैनेज अ बिग क्लब लाइक बाय म्यूनिक मेरे को तो लगता है ये यार मिड सीजन सैक हो जाएगा यार मतलब ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है आप बताओ यार आपको क्या लगता है इसके बारे में बाकी यार जैसे मैं कह रहा था कसाडो बहुत बढ़िया फोमिन लोपेज बहुत बढ़िया पेड्री बहुत बढ़िया लमीन भाई साहब यार मैं कह रहा था अभी रॉड्री याद दिला रहा था प्राइम इनियस्टा की आई डेर से भाई आई डेर से लमीन यमाल याद दिला रहा था मेसी की जिस तरीके से यार ये बंदा मतलब क्या कर रहा था ये कल यार गनाबरी का इसने मतलब उसको नेटमैक कर दिया पीछे से आ, 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 किमिच को ही इज नॉट अफ्रेड टू टेक ऑन इज नॉट इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग मैन व्हाट इज दिस किड व्हाट इज दिस सेवनटीन ईयर ओल्ड किड अफ्रेड ऑफ ये बंदा मतलब इसको दुनिया इसके कदमों में भाई लिटरली दुनिया इसके कदमों में ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है ये और क्यों ना खेले भाई ये बंदा अभी एक सोलह साल की उम्र में बार्सिलोना का के लिए डेब्यू किया है बेहतरीन पहला सीजन रहा है उसका बारसा के साथ पिछले सीजन उसके बाद स्पेन के साथ ऑलरेडी सत्रह साल में यूरोज भी जीत चुका है तो क्यों ना कॉन्फिडेंस के साथ खेले एंड भाई कैन यू इमेजिन दिस के अगले पाँच साल में भी ये बंदा मतलब दो हजार टू थाउजेंड थर्टी की भी अगर बात करूं मैं ये बंदा विल ओनली बी ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड यार कैन यू तो वो तभी भी यंग प्लेयर रहेगा स्काई इज द लिमिट मैन यमीन लमाल स्काई इज द लिमिट फॉर दिस गाय मजा आया देख के इसका भी गेम सो एंटरटेनिंग गेम देखनी थी एक न्यूट्रल को मैं तो न्यूट्रल ही हूं और यार दिस गेम रियली really डिलीवर्ड बाकी आपके क्या थॉट्स है भाई इस मैच के ऊपर थोड़ा मुझे कॉमेंट करके भी बताइए और अगर चैनल पर नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए हैंसी फ्लिक के बारे में अ वर्ड ऑन दैट बिकॉज एट टू वाली जो डिफीट मैंने वीडियो की शुरुआत में बोली उस टाइम पे हैंसी फ्लिक वॉज एक्चुअली इन बाय न्यूनिक्स डग आउट एंड दिस टाइम इट वॉज ही वॉज विथ बार्सलोना ऑफकोर्स सो वॉज लेवेंड ऑफ की उस टाइम पे भी सो एनी वे आपके थॉट्स क्या है कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइए आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो